हेलो दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले टॉप 5 वाटर गीजर के वीडियो डाला था, तो आपने उसको अच्छा रिस्पांस दिया। उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो को अच्छा रिस्पांस देंगे। तो वो स्मॉल वाले थे, इंस्टेंट वाटर हीटर, और ये स्टोरेज वाटर हीटर बोल सकते हैं। ये सब 15 लीटर वाले हैं। तो ये इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 5 अच्छे वाले चुन के आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो पहला है इसमें एओ स्मिथ का वाटर हीटर। इसकी वाटर कैपेसिटी है 15 लीटर। इसमें ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट है, जो रॉड अंदर लगा है उसे ग्लास कोटेड किया गया। इसमें लॉन्ग लास्टिंग एनोड रॉड है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल का भी सिस्टम लगा है। सेफ्टी के लिए थर्मल कटआउट और सेफ्टी वॉल भी लगा है। इसमें 7 इयर्स की टैंकी वारंटी और 4 इयर्स की हीटिंग एलिमेंट की वारंटी आती है। इसका 2000 वैट पावर कंजम्पशन है, और ये बड़ी बड़ी सिटी में इसका फ्री इंस्टॉलेशन है, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, और स्मॉल सिटीज़ में ये 400 रुपीज़ चार्ज करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट वाला है वी गार्ड का पेबल। ये भी 15 लीटर का ही है। इसमें भी 2000 वैट पावर कंजम्पशन है। इसका 3 इयर्स का प्रोडक्ट वारंटी है और 4 इयर्स का हीटिंग एलिमेंट की वारंटी है, और इनर टैंक की इसमें ज़्यादा है, 10 इयर्स की है। ये फ्री इंस्टॉलेशन है सभी जगहों पे। इसमें इंजन रेड पॉलीमर एंटी कोरोजन टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो टैंक को प्रोटेक्शन करती है, कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। इसमें इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट लगा है, जो मैं पूरे 5x5 ही जो गीजर बताऊंगा वो खासतर कर अपार्टमेंट के लिए बनाए गए हैं, जो हाई प्रेशर भी सह सकते हैं। तो थर्ड नंबर है बजाज का न्यू शक्ति। इसका पावर कंजम्पशन 2000 वाट का ही है। इसमें पाउडर कोटेड मेटल बॉडी है, जो कोरोजन से प्रोटेक्ट करेगी। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट है, आपको उसको एडजस्ट करने के लिए मिलेगा। मैग्नीशियम एनोड फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए है, उसमें लगा है, ये कोरोजन और लीकेज से बचाने के लिए। इसमें टेम्परेचर इंडिकेटर डायल भी लगा है। इसमें कॉपर ट्यूब वाली हीटिंग एलिमेंट लगी है, और ग्लास लिंक कोटेड इनर टैंक है। बजाज न्यू शक्ति वाटर हीटर को 2 इयर्स की वारंटी है और 5 ईयर की इनर वारंटी है। मैंने ये सभी 15 लीटर्स के ही चूज़ किए हैं। वाटर कैपेसिटी सेम रखी है, क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे। और इसकी प्राइस सभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस वैरी करती रहती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अपना चौथा है क्रॉम्पटन का सोलेरियम। इसमें नैनो पॉलीमर कोटेड टैंक है। इसमें प्रोटेक्शन के लिए कैपिलरी थर्मोस्टेट लगा है, थर्मल कटआउट भी है, इसमें विजिबल प्लग है टू प्रोवाइड हायर सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट। इसमें फ्यूज प्लग भी लगा है, जो सेफ्टी प्रोवाइड करेगा आपको अगेंस्ट कोई एक्सीडेंट ना हो। इसमें रस्ट फ्री ABS बॉडी लगी है, जो आउटर बॉडी है उसमें रस्ट नहीं आएगा। ISI मार्क निकेल कोटेड कॉपर वाला हीटिंग एलिमेंट लगा है। इसमें टैंक की इनर टैंक जो है उसकी 5 ईयर्स की वारंटी आती है, और हीटिंग एलिमेंट एंड आउटर बॉडी की 2 ईयर्स की। अपना नेक्स्ट है केनस्टार का। इसमें भी पावर कंजम्पशन सभी का सेम ही है, 2000 वैट का ही है। इसमें 57 डिग्री सेल्सियस थर्मल कटआउट ये ऑलरेडी सेट हुआ है, बाकी इसमें भी सेट किया हुआ रहता है, लेकिन उसमें वेरी कर सकते हैं। इसका रस्ट रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील ये टैंक है, और आउटर बॉडी रस्ट फ्री है।
इसमें ओवरऑल 6 ईयर की वारंटी है। इसमें हीट रिटेंशन टेक्नोलॉजी लगी है जो वाटर को बहुत देर तक गर्म ही रखेगी। तो ये कुछ 5 थे जो मैंने सिलेक्ट किए आपके लिए। इसका मुझे फीचर्स अच्छे लगे और कंपनी भी अच्छी है, इसमें इसको रेटिंग भी अच्छी मिली है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट कीजिए, और अगर कुछ आपको लगा होगा कि कुछ गलत बताया है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।